नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी पूछा कि सर मुझे बताइए कि मैं डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि आप डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इस बिजनेस मॉडल पे आपको कितना कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप इसका विज्ञापन और टेंडर को आप कहां पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मई 2019 के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से एक गैजेट निकाला गया था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि मोबाइल डिस्पेंसर के थ्रू भी जो है हम लोग डीजल को सेल कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे कि इंडियन ऑयल हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, ये सारे जो कंपनी है अपना कैप्सूल एडवर्टीजमेंट या बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का समय पर निकालते रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस एडवर्टीजमेंट को और टेंडर को जो है कहां पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार के स्टार्टअप को अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां पे आपको फ्यूल एंटरप्रेन्योर बोला जाता है और इसको शॉर्टकट में जो है फ्यूल एंड भी बोलते हैं। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग फ्यूल डोर स्टेप डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसके बाद इस बिजनेस का जो है आने वाले समय में क्या डिमांड रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको पूरा क्लेरिफाई करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी स्टेशनरी इक्विपमेंट है, जैसे कि डीजल जनरेटर हुआ, कि जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, सभी जगह पे जो है डीजी सेट लगा रहता है, यानी कि डीजल जनरेटर लगा रहता है। डीजल जनरेटर को चलाने के लिए डीजल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वैसे जगह पे जो है आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर से जो है डीजल को सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर से डीजल को सेल कर सकते हैं। यहां पे इंडियन ऑयल कंपनी या जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, सभी को जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन रखी है, सभी को जो है मोबाइल एप्लीकेशन से वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और जो भी मोबाइल डिस्पेंसर नियर बाय में होगा वो मोबाइल डिस्पेंसर जो है उस पर्टिकुलर कस्टमर को जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहां पे बहुत सारे हैवी मशीनरी या अर्थ मूविंग मशीनरी वहां पे अवेलेबल रहते हैं, तो सभी में जो है डीजल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे भी जो है आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर से डीजल का सेल कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को पता है कि जितने भी मोबाइल टावर होते हैं वहां पे डीजल जनरेटर जो है लग रहते हैं, वहां पे भी जो है आपको डीजल का रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप वैसे जगह पे भी जो है आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर से डीजल का जो है आप सेल कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी जगह है जहां पे आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर से आप डीजल का सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाला जो समय है सभी को मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन डीजल का जो है ऑर्डर करेंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन के नियर बाय में जो भी फ्यूल डोर स्टेप डिलीवरी का टैंकर होगा वो उस पर्टिकुलर कस्टमर को जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको फ्यूल एंटरप्रेन्योर बनना है तो इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी एप्लीकेंट फ्यूल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसका जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, उसके बाद जो उसका एज है वो 21 ईयर से लेके 60 ईयर के बीच में होना चाहिए और उस एप्लीकेंट के पास में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका खुद का बिजनेस जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म हुआ या लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म हुआ या आपका कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो भी आपका फर्म होगा वो DPIIT के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा आपका फर्म, तो आप जो है फ्यूल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप लोगों को ये वीडियो जो है हमारे नए चैनल YMW फाइनेंशियल सर्विस पे आपको मिलेंगे, आप वहां पर जाकर देखें कि अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपका स्टार्टअप होगा उसको DDD रीसेलर में जो है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यानी डोर टू डोर डिलीवरी रीसेलर में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ में जो है आपका एग्रीमेंट साइन होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि शुड हैव ऑन व्हीकल वेयर मोबाइल डिस्पेंसर विल लोड, आपका खुद का व्हीकल होना चाहिए जहाँ पे आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर को जो है उस पर पुट कर सके, यानी कि उस पर लोड कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको व्हीकल जो है आपको अपने खुद के कॉस्ट पे आपको परचेस करना पड़ेगा और उस व्हीकल पे जो है आपको मोबाइल डिस्पेंसर जो है आपको लोड करना पड़ेगा। तो ये सारे काम के लिए जो है बहुत सारी कंपनी है,
जैसे हमसफर.com है, उसके बाद रेपो सिनर्जी है, आप ये सारे कंपनी से जो है आप अपने मोबाइल डिस्पेंसर को जो है आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट है आपको खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ या पैन कार्ड हुआ, ये सारे को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा उसका सर्टिफिकेट जो है आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक ऑथराइजेशन का डिक्लेरेशन जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी यहाँ पे आपको DSC का डिक्लेरेशन भी आपसे लेती है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का भी जो है आपसे डिक्लेरेशन जो है आपसे मांगेगी। उसके बाद जो है आपका जो भी बिजनेस होगा उसके नाम पे ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको कंपनी में देना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको DPIIT लाइसेंस नंबर लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपको DPIIT नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है आपको GST नंबर का भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको अपनी कैटेगरी का जो है आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन सी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप फ्यूल डोर स्टेप डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे जो पहला लाइसेंस है आपको जो है पेसो से लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने मोबाइल डिस्पेंसर के लिए। उसके बाद जो है आपको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से जो है आपको फ्यूल डिस्पेंसिंग का जो है एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो है आपको व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जितने भी स्टेचुरी क्लियरेंस रहते हैं वो भी जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको लेने पड़ेंगे। देन उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि GST का नंबर रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो आपको लेना मैंडेटरी है यहाँ पे। देन उसके बाद जो है आपको वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट से जो है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको पॉल्यूशन लाइसेंस भी जो है आपको अपने व्हीकल के लिए लेना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आप ड्राइवर अपने मोबाइल टैंकर के लिए रखेंगे उसके लाइसेंस में हजार्डस गुड्स एंडोर्समेंट का जो है मेंशन होना चाहिए। देन उसके बाद आपको अपने मोबाइल टैंकर का पब्लिक लायबिलिटी लॉस इंश्योरेंस जो है आपको कवर कराने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है आपको पार्किंग का भी परमिशन लेना पड़ेगा। ये सारे जितने भी मैंने आपको लाइसेंस बताए ये पूरे मैंडेटरी है अगर आप फ्यूल डोर स्टेप डिलीवरी का बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्यूल डोर स्टेप डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ जो पहला इन्वेस्टमेंट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है 11,800 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी आपसे 1,00,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लेती है। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कोई भी रूल्स को वायलेट करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देख रहे जो आपका थर्ड इन्वेस्टमेंट है, आपको खुद का व्हीकल परचेस करना पड़ेगा, और उस व्हीकल के पीछे जो मोबाइल डिस्पेंसर लगा रहेगा उसको जो है एज पर पेसो रेगुलेशन जो है आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 20-25 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काउंट किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप मोबाइल डिस्पेंसर रखेंगे वो आपका मैक्सिमम जो है 9,000 लीटर का हो सकता है, यानी कि पेसो की तरफ से जो है आपको 9,000 लीटर का मोबाइल डिस्पेंसर के लिए जो है आपको लाइसेंस अप्रूव किया जाता है। आप 6,000 लीटर का भी आप रख सकते हैं, आप 4,000 लीटर का भी जो है मोबाइल डिस्पेंसर जो है आप अपने व्हीकल में आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे जो चौथा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आपका जो मोबाइल डिस्पेंसर है 6,000 लीटर का है तो उसमें आपको 6,000 लीटर जो है आपको उसमें स्टॉक परचेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो आपका कॉस्ट है 5,50,000 रुपये यहाँ पे आपका आने वाला है। जब आप ये टोटल कॉस्ट को अगर काउंट करेंगे तो आपका जो अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट है आपका 30-32 लाख के बीच में आपका आने वाला है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है आपके मोबाइल डिस्पेंसर पे, यानी कि आपके मोबाइल टैंकर पर लीटर डीजल के सेल पे आपको कितना कमीशन प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग कमीशन देखें तो यहाँ पे जो कंपनी है आपको 2 रुपया 20 पैसा पर लीटर डीजल के सेल पे आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। अगर आप डेली का अपने मोबाइल टैंकर से 6,000 लीटर डीजल सेल करते हैं तो यहाँ पे जो आपका पर डे का जो प्रॉफिट है 13,200 रुपये आने वाला है। तो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं कि फ्रेंड्स आपको मंथली कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मोबाइल डिस्पेंसर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब एडवर्टाइजमेंट या टेंडर निकलता है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का, तो आप जब इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोसेस किस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11,800 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी में आपको 1,00,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपके और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन होगा, और जो भी आपका एग्रीमेंट साइन होगा वो आपका 10 ईयर्स के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप 10 साल के लिए जो है आप कंपनी के साथ में जुड़े रहेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो कंपनी जो है आपके एग्रीमेंट को रिन्यू भी करके देगी।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जितने भी PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ या भारत पेट्रोलियम हुआ, ये सारे जो कंपनी है अपना विज्ञापन और टेंडर जो है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का कैसे निकालती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का जो है यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल एंड फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल थ्रू मोबाइल डिस्पेंसर, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका लास्ट डेट जो है 30 जून 2021 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये भारत पेट्रोलियम का जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसका जो लास्ट डेट है ये भी जो है 30 जून 2021 ही लिखा गया है। तो जब भी आपको डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का एडवर्टीजमेंट जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी निकालेगी तो इसी प्रकार से जो है आपको निकाल के देने वाली है। तो आप जो है इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल कंपनी हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, ये सारे जो कंपनी अपना विज्ञापन या बोल सकते हैं कि ये अपना जो टेंडर है ये किस वेबसाइट पे निकालती है। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इंडियन ऑयल का जो ये विज्ञापन आया है तो इसको जो है आप कहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को इस पेज पे आ जाना है। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन चेन लिखा हुआ है और यहाँ पे देख टेंडर रेफरेंस नंबर लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे DDD लिखा हुआ है यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी लिखा हुआ है। उसके बाद EOI2 लिखा हुआ है यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन ऑयल कंपनी का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया है डोर टू डोर डिलीवरी का। तो यहाँ पे जो है आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखा रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम स्टार्टअप फॉर डोर टू डोर डिलीवरी, और यहाँ पे जो है आपको पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन जो है लिखा गया है, यानी कि आपको जो डोर टू डोर डिलीवरी करना है वो क्या करना है यहाँ पे लिखा गया है हाई स्पीड डीजल। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पूरा टेंडर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि इसका जो डाउनलोडिंग का डेट है वो निकल चुका है, तो इसलिए आप इसको जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कभी भी आएगा तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट से जाकर जो है आप पूरे टेंडर के डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी इसका विज्ञापन फ्यूचर में निकलता है तो मैं आप लोगों को उस समय बताऊंगा कि आप इस टेंडर को कैसे फिल करेंगे। मैं आपको पूरा लाइव जो है प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पर पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि वो डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल का बिजनेस कैसे कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।